फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं आपको बात करने वाला हूँ, आज हम कुछ पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं, आज हम कुछ स्पेशल बात करेंगे, कुछ हटके बात करेंगे। दिस इज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द फ्रेज ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज? ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? एनी वन ऑफ यू नो दैट? एंड इफ यू वॉन्ट मी टू टेल अबाउट दिस, दिस वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई वॉन्ट यू, कि ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब होता है बेटा बुरा वक्त, जिंदगी में आने वाला आपके पास बुरा वक्त। बुरा वक्त क्या होता है? बुरा वक्त ये होता है कि हम किसी एग्जाम में फेल हो गए। बुरा वक्त ये होता है कि हमने कोई बहुत बड़ा बिजनेस करा था, वो पूरा की पूरा बिजनेस चौपट हो गया, मार्केट डाउन हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। बुरा वक्त ये होता है हम किसी को बेइंतहा प्यार करते थे, वो हमें छोड़ के चली गई। बुरा वक्त ये होता है कि सडनली हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हम पापा मम्मी से अटैच रहते हैं, और अचानक किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है या कोई बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये सब होता है बुरा वक्त। बट Never ever blame God for that period. Even thank to God, कि thank you very much God, you have chosen me for this, because हर disguise में कुछ न कुछ blessings मिलती है, और वो blessings हमें तब मालूम पड़ती है, एक period of time after that disguise, हमको मालूम पड़ता है कि हमने जो अचीव किया ये because of that time only. डिस्गाइज का मतलब क्या? कोई सीए के एग्जाम में फेल हो गया, कोई आप कैट क्लियर नहीं कर पाए, कोई आपको छोड़कर चला गया, थैंक यू गॉड, बिकॉज आई विल टेल यू, हमेशा डिस्गाइज के अंदर ब्लेसिंग्स, हमेशा हर डिस्गाइज ब्लेसिंग्स बन के आता है। सर कैसे आता है? कैसे आता है? अगर आपने थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है, अगर थॉमस एडिसन का नाम सुना है, द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर आपने उसका नाम सुना है, तो उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया था, इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज इज फर्स्ट इन्वेंशन। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आविष्कार करे, बहुत सारे आविष्कार करते करते उनकी पूरी फैक्ट्री थी लंदन में, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, वॉज अ नोन साइंटिस्ट, और उनकी फैक्ट्री ड्यू टू शॉर्ट सर्किट पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। ही एंड हिज फैमिली रश टू द बिल्डिंग साइट। जब बिल्डिंग में सामने देख रहे हैं, अपने खुद के सारे सपने, खुद की सारी बिल्डिंग जलते हुए देख रहे हैं, everyone was among the family of Edison was crying ki kaise ye sab kaise ho gaya, what to do, kaise hua, kya hua, and Edison was smiling because and his son shocked, papa why you are smiling, bole meri aaj tak ki sari galtiyan jal chuki hain, ab se मैं वापस से वही एडिसन हूं, मैं आज तक जितना मैंने बना के रखा था, मैं स्पेक्ट्रा लिमिटेड था, आज तक मैंने जो इन्वेंशन किया होता है, मेरी सारी गलतियां होंगी इसलिए जल गई हैं, अब से मैं कुछ नया इन्वेंट करूंगा। और जस्ट आफ्टर द शॉर्टफॉल ऑफ दैट शॉर्ट सर्किट ऑफ दैट फैक्ट्री, विद इन 11 मंथ्स के अंदर थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन का इन्वेंट करके आया, जिसके कारण उनको नोबल पुरस्कार मिला। अब बताओ अगर वो फैक्ट्री अगर नहीं जलती तो कैसे उसको अचीव कर पाए? फिर मैं किसी और की बात क्यों करूं, मैं अपने ही फ्रेंड की बात करता हूं। There was one of my friend, Ankit उपाध्याय, he was with us in our class 12th. Actually, वो हमारी क्लासमेट तो क्या था, वो तो हमारा सीनियर था। अंकित has taken PCM. PCM में he got failed in class 12th and he became our classmate. अब 12th क्लास में फेल हो जाना, 12th क्लास में फेल हो जाना कोई नॉर्मल बात नहीं होती है। और प्रैक्टिकली एक और बात बताऊं आपको, मेरे और आपके लिए फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप और मैं फेल हो जाए तो कोई जानता कहां है अपने को, अपन तो हम तो साइड में बैठे हुए बच्चे थे, कभी कभी फेल होते तो मालूम नहीं था। बट अंकित वॉज द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ आवर हाउस। अंकित हमारे हाउस का स्पोर्ट्स कैप्टन हुआ करता था। अब अंकित क्योंकि हमारे हाउस का स्पोर्ट्स कैप्टन था, बहुत नाम था, बहुत सारी गर्ल्स उसे अट्रैक्ट थी, टीचर्स के अंदर उसका नाम था, एक प्रकार से बोलता ना वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग बॉय इन द स्कूल। अब वो फेल हो गया क्योंकि उसने पीसीएम लेके 11 12th में बहुत सारी मस्तियां करी, एक्सपेक्टेड। बट अंकित गॉट फेल्ड इन 12th क्लास विद साइंस। ऑल ड्रीम्स उसको एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, शटर्ड। अब अंकित वॉज सो डिप्रेस्ड कि नाउ ही बिकेम अवर क्लासमेट एंड बिल्कुल साइड में बैठा रहता था, किससे बात नहीं करता था। एवरीवन ऑफ अस, हम उसके जूनियर्स थे, लेकिन अब हमारा क्लासमेट बन चुका था। हम उसको मोड़े, अंकित क्या हो गया, चल ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सब लोग करते। इवन मैं तो अंकित कहता था, अंकित चल छोड़ना यार, क्या बैठा हुआ यार, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तू क्यों चिंता कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा पास। एंड ही थ्रेश्ड मी आउट, अंकित पुश्ड मी आउट, मैं जाके दूर जगह गिरा, एंड ही शाउटेड लाइक एनीथिंग, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे को 12th में साइंस क्लियर करना था, मेरे को अपना करियर बनाना था, मेरे को एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे, लाइंड अप थे, मेरे को 4 साल के अंदर अमेरिका जाना था, और तू बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है, आई गॉट फेल्ड, आई एम अ फेलियर।
मिला अंकित को, फिर भी बोला अंकित छोड़ यार अब, एंड आई थिंक ठीक है उस समय तो मेरी बहुत, मैं साइड में गिर गया था, अंकित ने सबके सामने मेरे को चिल्ला दिया, एंड ठीक है मैंने बोला अंकित भाई तू ठीक है तेरी जैसी इच्छा तो तू करना है, बट जिंदगी में याद रखना ठीक है जो भी होता है इट्स गुड, एवरी फेलियर इज गुड। सही आपको बचपन से था, ये मैं बहुत बार फेल हो चुका हूँ, बहुत बार फेल होकर आगे बढ़ा हूँ, तो मुझे बचपन में कहीं ना कहीं समझाया गया था कि ठीक है एवरीथिंग देयर इज समथिंग डेस्टिनी ड्राइव्स, कहीं ना कहीं आपको कहीं पहुंचना होता है, इसीलिए भगवान आपको कहीं से कोई रॉन्ग वे करवाता है, कहीं से कहीं आपके सीधे रास्ते में कुछ ना कुछ मुश्किलें डालता है ताकि उस कट तक, उस डेस्टिनी तक पहुंच सको। सिर्फ अंकित की स्टोरी का आज के सेशन से क्या मतलब है? है मतलब बेटा है, अगर मैं आज डाल रहा हूं तो सेवन डेज बैक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अंकित, आई हैव सीन वन ऑफ हिज फेसबुक स्टेटस, अंकित हैज शेयर्ड हिज फेसबुक स्टेटस कि गेटिंग मैरिड टू अनुष्का एंड हैविंग अ 7 years ऑफ ब्लेस्ड रिलेशनशिप एंड नाउ दैट रिलेशनशिप इज गेटिंग इनटू अ न्यू लेवल नाउ from my better half, from my life Anushka, she is becoming my better half Anushka, and it's a very cheerful moment, thank to God for giving all such happiness in my life. I immediately called Ankit. मैंने अंकित को फोन किया, मतलब अंकित भाई क्या हाल चाल, अंकित आजमी कौन बोल रहा है, मैंने कहा हितेश कुकरेजा बोल रहा हूँ, क्लास 12th चौथराम स्कूल रिमेम्बर। तो अंकित हाँ हितेश भाई यार क्या हाल चाल है, तो मैंने अंकित यार शादी वादी कर रहे हैं भाई, तो अंकित ने बोला हाँ यार भाई शादी कर रहा हूँ बिल्कुल बढ़िया, मैंने किसके साथ, अनुष्का के साथ, तो ही सेड हाँ अनुष्का के साथ, अनुष्का के साथ शादी कर रहा हूँ। मैंने बोला अंकित वेरी गुड यार, और मैंने बोला अंकित याद है तूने मेरे को 12th क्लास में एक बार धक्का मारा था, गिरा दिया था, एंड यू थ्रेश्ड मी आउट, तू 12th में फेल हो गया था। अंकित से ये तू आज ये सब बातें क्यों कर रहा है यार, मैं तेको इन्विटेशन दे रहा हूँ, मेरे को उल्टा सारे पुराने फ्रेंड्स के साथ रीयूनियन भी करना है, तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ अवर वेडिंग बिकॉज यू आर द कॉमन क्लासमेट, तो तेको सीधी बात है कि तेको आना चाहिए उसके अंदर, और मेरे को तेरा एड्रेस भेज, अपन मिलते हैं एक बार। मिला अंकित लेकिन तू एक बात याद कर, तूने मुझे धक्का दिया था, मुझे गिरा दिया था, और बिकॉज यू गॉट फेल, तेरे बहुत सारे प्लान थे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के। बोले हाँ भाई यार वो सब बातें क्यों याद दिला रहा है, इट्स ओके जो हुआ। मतलब अंकित आई हैव रेड योर स्टेटस ऑन फेसबुक कि यू आर हैविंग द बेस्ट चेयरफुल चेरिश लाइफ ऑफ 7 years ऑफ रिलेशनशिप एंड नाउ गेटिंग मैरिड। बोले हाँ भाई यार तेको पता ही तो है, तेको तो हर बात पता ही थी। मतलब अंकित यू आर मैरिंग टू अ गर्ल अनुष्का which was my classmate. She was not your classmate. She was your junior. And you are now getting married to her. Anushka is from the commerce background and you were from what? Science background. Ye relationship kaise start hua? Yaad kar, you got failed in class 12th. You were depressed. Me, Anushka and lot many of our friends used to motivate you. Tab tera aur Anushka ka wo relationship start hua aur uske baad you are thanking God for having all this 7 years of cherished life. Kis baat ke liye thank you kar raha hai? Kya us samay tu agar fail nahi hota to do you will be able to meet Anushka and right now you are getting married to her? What was the disguise? Disguise, the bad time was being fail in class 12th. That disguise was a science student is taking commerce. That disguise was you are sitting with your juniors. And the blessing was Anushka. ऐसा होता है आपके साथ बहुत बार, आप किसी किसी एग्जाम में फेल हो जाते हो, उस एग्जाम में फेल होकर आप अपने आपको हारा हुआ मानते हो, आपको छोटा मानते हो, लेकिन उस हारी हुई एग्जाम के बाद आप किसी और एग्जाम की तैयारी करते हो या आप उसी एग्जाम की फिर से तैयारी करते हो और वहां पे कोई ऐसा मिलता है आपको जो आपके लाइफ चेंज कर देता है, जो आपका गेम प्लान चेंज कर देता है, जो आप जहां जाते रहते हो वो आपका हम सफर बन जाता है। मैं हमेशा किसी सीए वाले बच्चों से ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्जाम में फेल हो गया हो तो किसी लड़की को ढूंढो क्योंकि तुम्हारा साथ देगी जिसका तुम शादी करोगे, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं बोल रहा हूँ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। हमने दोस्तों होप करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैं आपके एडुकेशन वाले पार्ट में थोड़ी सी आपकी मदद कर पाया हूँगा। मैं आप जो भी कोर्स कर रहे हो, सारे बच्चे चाहे वो सीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कैट दे रहे हैं, सीपीटी के बच्चे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट आर योर डाउट्स यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माय फोन नंबर, आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी डाउट ऑफ योर्स जितना हो सकता है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा बेटा लास्ट ऑफ द वीडियो में कि हमेशा अपने डिसीजन जो भी आपने लिए उस पर फर्म रहें, कभी किसी चीज़ से कन्फ्यूज़ न रहें।
करें। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रतन टाटा ने राइटली बोला है, आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई डोंट टेक राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड प्रूव देम राइट। तो हमेशा जो भी आपने डिसीजन अपना लिया है लाइफ के लिए, चाहे वो CA बनने के लिए, चाहे वो कैट का, चाहे कोई भी, हमेशा वो डिसीजन पे फर्म रहे। जितना आप फर्म रहते हैं, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके डिसीजन को उतनी ताकत देता है। जितना रेगुलर आप डिसीजन चेंज करते हैं, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड वीक हो जाता है। सो बी फर्म ऑन योर डिसीजन, हैव अ गुड लाइफ, हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू वेरी मच एंड सायोनारा, लव यू, बाय बाय।